आपको बताऊं इस वक्त चीमा साहब, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, आपका आप खुद कंफ्यूज है, दुनिया को भी आपने कंफ्यूज कर रखा है। आपके पड़ोसी मुल्क के साथ आज भी खान साहब ने जो तकरीर की है, आपने हर चीज का कंपैरिजन बांग्लादेश और भारत के साथ किया है। भारत के हालात आपने देखे हैं, कहां से कहां निकलता जा रहा है वो अपने इंटरनेशनल नेक्सस में और इंटरनेशनल डीलों में। जीडीपी की ग्रोथ देखिए, 10% इंडिया की, आपकी 3% है, 6% ग्रोथ रेट है जीडीपी का बांग्लादेश का। और अगर आप इन चीजों का दालों का और पेट्रोल का कंपैरिजन करते हो, फॉरेन पॉलिसी का भी कंपैरिजन करें ना उनके साथ कि वो किधर जा रहे हैं, कि खान साहब यूनाइटेड नेशंस नहीं आए जनरल असेंबली इजलास में, G20 में आप हिस्सा नहीं है, वहां भी नहीं गए आप। इस वक्त जो इस वक्त जो COP26 जो चल रहा है स्कॉटलैंड में, खान साहब वहां भी नहीं गए। IMF को आपने सारा कुछ लिख के दे दिया कि भाई बाप आप जिस तरह कहोगे करेंगे, हमें नोट दिखाओ। मोईद यूसुफ साहब ये हफ्ता पहले इंडिया जा रहे थे, अब नहीं जा रहे। अच्छा, इनके साथ स्पॉइलर है, अगर अमित शाह का स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, वो कश्मीर में भी गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोले हैं, उन्होंने गोवा में भी स्टेटमेंट दी है कि हम घुस के मारेंगे, आप स्टेटमेंट ही को दे देते, काउंटर ही कर लेते उसको। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया के इस वीडियो के अंदर साजिद तरार और कमर चीमा बता रहे हैं भारत किस तरीके से 10% ग्रोथ की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे रीजन में सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी बन चुका है वो, और पूरी दुनिया में मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी की धाक जम चुकी है, जिस तरीके से पूरी दुनिया से वो रिलेशन बना रहे हैं। और हमारा इमरान खान खाली अपने पाकिस्तान में बैठे कभी TLP के साथ बातें कर रहे हैं, कभी और किसी के साथ, इसको इंटरेस्ट ही नहीं है अपने देश से बाहर निकलने का। अब तो चाइना भी हमसे नाराज़ हो चुका है, और काफ़ी टाइम से चाइना के प्रेसिडेंट की इमरान खान के साथ बात भी नहीं हुई, और कहते हैं अमित शाह ने हमें धमकी भी दी, मगर हमारे मोईद यूसुफ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कुछ भी पलट के जवाब दे सके। इससे कहते हैं कि हमारी पॉलिसी फेल हो चुकी है, मगर असली कारण जो पॉलिसी फेल होने का इनकी है, आलस की वजह से पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और पूरी दुनिया में इस समय पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा, और भारत 24 घंटे अपने काम की वजह से दुनिया में आगे बढ़ता चला जा रहा है। आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, आज बात करनी है कि जो पाकिस्तान के वजीरे खारजा ने हाल ही में कहा कि हमें लॉबी करनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए, और अपने एम्बेसडर्स को पूरी दुनिया में कहा है कि जो वेल कनेक्टेड फॉरेन नेशनल्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट किया जाए। तो मैंने कहा कि इस हवाले से साजिद तारड़ साहब से बेहतर कौन शख्स हो सकता है जो कि Washington DC के एनवायरमेंट को समझते हुए हमें ये बताएं कि वहां पे ये किस तरह लॉबिंग हो रही है, और हमें क्यों लॉबिंग की जरूरत पड़ रही है, हम क्या हमारी खर्चा पॉलिसी काम नहीं कर रही या स्लो है, या आप इसको किस एंगल से देखते हैं, अभी क्यों बात करनी पड़ गई लॉबिंग की। आपने जो टॉपिक जो छेड़ा है वो इस तरह ही है कि मेरे जख्मों पे जिस तरह नमक छेड़ने वाली बात है। आखिरी आपने इस अपनी लॉबी के ऊपर खुद ही जुल्म किया है, इस कफन को आखिरी कील भी आपने खुद ठोका है। आपको जरूरत क्यों पड़ी है कि खान साहब यूनाइटेड नेशंस नहीं आए जनरल असेंबली इजलास में, G20 में आप हिस्सा नहीं है, वहां भी नहीं गए आप। इस वक्त जो इस वक्त जो COP26 जो चल रहा है स्कॉटलैंड में, खान साहब वहां भी नहीं गए आप वहां पे, और TLP की वजह से हो सकता ना गए, लेकिन उसको भी तुम्हें सेटल किया गया, वो भी तो आगे खीर में किसी और बंदे ने उनके साथ डील किया, आपसे तो वो डील ही नहीं हो रहा था। वो तो आप अच्छा था, उससे बेहतर था कि आप स्कॉटलैंड आ जाते, चलो लॉबी करते बात करते। आपके पड़ोसी मुल्क के साथ आज भी खान साहब ने जो तकरीर की है, आपने हर चीज का कंपैरिजन बांग्लादेश और भारत के साथ किया है। भारत के हालात आपने देखे हैं, कहां से कहां निकलता जा रहा है वो अपने इंटरनेशनल नेक्सस में और इंटरनेशनल डीलों में, और जिस तरीके से वो पूरा जिस तरीके से उन्होंने अगले दिन Agni-5 का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, आप उसको अगर आप उनसे महंगाई का कंपैरिजन करते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी का कंपैरिजन क्यों नहीं करते आप उनके दुनिया के साथ रिलेशनशिप के बारे में, उनके बारे में बात क्यों नहीं करते। आपकी सिर्फ प्रायोरिटी ये है कि इस वक्त चाइना के डॉलर बंद हुए हैं, और आपने आगे पूरा मुल्क जो है वो IMF को लिख के दे दिया है, और आप दोबारा इस वक्त Washington DC में माहौल चीमा साहब ये बन चुका है कि पिछले एक महीने में आपके 3 मिनिस्टर यहां आए हैं, और आपके तरीन साहब जो है वो इधर Washington DC में सारा मुल्क उन्होंने लिख के दे दिया IMF को, सीधे सऊदी अरेबिया गए हैं, वहां से चेक उठाया पाकिस्तान चले गए, और वो चेक इसलिए गया लेके वहां पे गए 4.2 बिलियन, क्योंकि दोबारा वो मिन्नतें कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की कि हमें अमेरिका के साथ हमारी सुलह कराओ ताकि हमें पैसे दे। उधर इंडिया का वजीर आजम गया, उसने COP26 पे और जो ग्लासगो में समिट हुई है जो हुई है वहां पे उसने कहा जी कि हम 2070 तक जो है वो कंप्लीटली रिन्यूएबल पे चले जाएंगे, और हम ये कार्बन एमिशन जो है हमारी वो खत्म हो जाएंगी।
यूएन का आपने खुद क्या, ये यूएन में वो खुद नहीं गए, G20 जो है वो हमें बुलाता नहीं है। तो जब हम घर से नहीं निकलते और ये घर से नहीं निकलेंगे तो लॉबिंग कैसे होगी? तारण साहब, बड़ी अहम बात है, 3 साल और 2 माह हो गए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को। अगस्त में आई थिंक इनकी गवर्नमेंट बनी थी, 3 साल 3 माह हो गए हैं। इमरान खान ने एक चक्कर नहीं यूरोप का लगाया, ये दुनिया से खुद तो डिस्कनेक्ट कर दिया। और वजीरे खारजा कह रहे लॉबिंग करें, और जो जहां पे बात करनी थी, इंडियन वजीरे आजम कह रहे हैं जाके कि हम 2070 तक आपको क्लियर करके देंगे हर चीज। हमें जो बातें करनी थी हम करते नहीं है, तो ये बताएं निकलते क्यों नहीं है मुल्क से? ये सिर्फ पाकिस्तान ही बैठे रहते हैं सारा टाइम। साहब ने अपनी स्पीच में 3 कंट्रीज का बड़ा जिक्र किया, बांग्लादेश, इंडिया और अमेरिका का। खान साहब ने कभी वहां पे उनके डॉलर के साथ कंपैरिजन देखा है? 74 रुपए का डॉलर है इस वक्त इंडिया में, 85 या 86 टके का डॉलर है वहां पे बांग्लादेश में। GDP की ग्रोथ देखिए, 10% इंडिया की, आपकी 3% है, 6% ग्रोथ रेट है GDP का बांग्लादेश का। और अगर आप इन चीजों का, दालों का और पेट्रोल का कंपैरिजन करते हो, फॉरेन पॉलिसी का भी कंपैरिजन करें ना उनके साथ कि वो किधर जा रहे हैं। आप अपने सिलेक्टेड चीजों को आप पिक कर लेते हैं, आपके वुजरा जो है वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, आप कुछ देते हैं, आपकी सुलह सफाई कुछ करा रहे हैं। एक दिन आप एक TLP को कहते हैं अलकायदा है, एक दिन कहते हैं कि हम इनको इनको कानून हाथ में ले, दूसरे दिन आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं उनके साथ। एक हफ्ते में आपने कुछ 6 चीजें चेंज की हैं आपने, कि कभी खुद भी आपने कहते हैं। सबसे मैं कहता हूँ करेक्शन होती है, एक तो गलती को एडमिट करना या सेल्फ एवेल्युएशन। कभी अकेले बैठ के एवेल्युएट करें अपने आप को और अपनी कैबिनेट को, खासकर 55 बंदे आपने रखे हुए हैं। आधे तो मेरा ख्याल है यहाँ पे जो शौकत खानम के लिए जो फंड रेज करते थे वो, आधे तो वो है। तार साहब ये बताएं, ये लॉबिंग की बात करते हैं, एक तरफ तो दुनिया अफगानिस्तान में इंगेज होने को तैयार नहीं बैठी हुई, दूसरी तरफ ये है कि मोहित यूसुफ जिनको लाया इसलिए गया था कि वो अमेरिका और इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें, कल उन्होंने स्टेटमेंट दे दिए जी मैं इंडिया नहीं जा रहा। चीन आपको पता है नाराज है, जो इस वक्त CPEC के हेड है उन्होंने कहा था कि इंडिया और अमेरिका जो है ये CPEC को जो स्पॉइल करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। वैसे तो TLP का इल्जाम भी इंडिया पे लगा था, लेकिन बाद में वो TLP के साथ सुलह हो गई तो इंडिया से पीछे हट गए। तो ये खित्ते में लॉबिंग क्यों नहीं करते सर, इस पे भी थोड़ा सा। शिवा साहब, इसके बारे में मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा कि आपको मैं वो याद कराना चाहूंगा, CNN का आर्टिकल जिसमें उन्होंने कहा था कि एयर स्पेस यूज की जा रही है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने की बात की जा रही है, लेकिन आपको शायद याद होगा उस पे पाकिस्तान की कंडीशन ये थी कि हमारे इंडिया से रिलेशनशिप बेहतर कराए, नंबर वन। अब दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूं कि अगर आपके पैसे चाइना से रुक गए हैं, आप अमेरिका से मानना चाहते हैं, तो अमेरिका दोनों क्वाड का हिस्सा इंडिया के साथ, तो आप किस तरीके से अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस में लेंगे? क्योंकि आप अगर अमेरिका के साथ दोबारा आएंगे, अमेरिका आपका बाजू मरोड़ के फिर कहेगा कि ये इंडिया के साथ हालात बेहतर करो आपने, क्योंकि वो हमारा पार्टनर है क्वाड के अंदर, वो मालाबार के अंदर जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने बे ऑफ बंगाल के अंदर, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं नेवल की, वो अपने आपको पता है जो Agni-5 का जो उन्होंने अगले दिन मिसाइल फेंका था, तैयारी की जो पूरे चाइना को कवर करता है, अफ्रीका और यूरोप तक जाता है उनका, वो 1500 किलोग्राम वजन उठा के जाता है जो Agni-5 उन्होंने किया। तो इन चीजों को आप, ये आप कोयलों पे चल रहे हैं आपने, मैं आपको बताऊं इस वक्त चीमा साहब, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, आपका आप खुद कंफ्यूज है, दुनिया को भी आपने कंफ्यूज कर रखा है, कोई पता नहीं है किसी को, Washington DC को कोई पता नहीं है कि आप चाइना को छोड़ चुके हैं, अभी साथ हैं, अफगानिस्तान पे आपकी क्या पॉलिसी है, IMF को आपने सारा कुछ लिख के दे दिया कि जी भाई बाप आप जिस तरह कहोगे करेंगे, हमें नोट दिखाओ। तो ये आपके पास कुछ आपको खुद नहीं पता। आपके मोहित यूसुफ साहब ये हफ्ता पहले इंडिया जा रहे थे, अब नहीं जा रहे। अच्छा, इनके साथ स्पॉइलर है, अगर अमित शाह का स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, वो कश्मीर में भी गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोले हैं, उन्होंने गोवा में भी स्टेटमेंट दी है कि हम घुस के मारेंगे, आप स्टेटमेंट ही को दे देते, काउंटर ही कर लेते उसको।